हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे हैं अलाइड सर्विसेज की। कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शन पढ़ लिए, आज अलाइड सर्विसेज एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करनी है। और बेटा आपने मुझे कुछ 7-8 चीज बताई थी और मैंने कहा था 10-12 तो कम से कम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा अलाइड सर्विसेज में लॉकर फैसिलिटी की। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, सबसे पहले बात करते हैं लॉकर फैसिलिटी की। बेटा अच्छा ये तो पता होगा कि बैंक लॉकर खोलता है, कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है ना कहीं या प्रैक्टिकली देखा होगा बेटा। चलो खैर इस पे बहुत सारे मुद्दे मुझे डिस्कस करने हैं बेटा। बाबू बुक वाली बात तो करेंगे ही नहीं, पहली बात बुक में तो 2 लाइनें लिखी होंगी, खत्म कहानी, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा चलो एक बात समझने की कोशिश करो, हम बैंक में लॉकर क्यों खुलवाते हैं पहले ये बता दो। सेव करने के लिए, तो सेविंग अकाउंट खुलवा लो, लॉकर क्यों? घर से ज़्यादा सेफ्टी होती है, सेफ्टी के लिए ना, है ना लक्ष्मी, सेफ्टी के लिए खुलवाते हैं। ज्वेलरी भी रख सकते हैं, तो ज्वेलरी सेफ्टी के लिए तो खुलवाते होंगे या घर पे सेफ होती हैं? बैंक में सेफ होती हैं पर सेफ्टी के लिए खुलवाते हैं लॉकर। चलो एक काम करेंगे यार, आज ना जैसे ही बैच खत्म होगा ना पहले ना लॉकर फैसिलिटी का फॉर्म निकालेंगे किसी भी बैंक का जिसको आप जानते हो, ठीक है? और बेटा पहली टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे बेटा जो लॉकर खुलवाने के लिए होती है। और आपको बता देता हूं मैं एडवांस में पढ़कर, किसी भी बैंक में लॉकर खुलवा रहे हो बेटा बैंक पूरी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन में लिखता है कि कल को आपके लॉकर में से कोई भी सामान चोरी हो जाता है उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहां गई सेफ्टी? सर देख लो ना, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं पढ़वाऊंगा आपको, बस हर बैंक के लॉकर फॉर्म का सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन पढ़वाऊंगा सर, आपको बता देता हूं। चलो ये तो समझ में आ गया कि लॉकर से कुछ भी सामान गया बैंक कोई भी गारंटी नहीं लेता, एक रुपया भी मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, बैंक के लॉकर को तोड़ना इतना आसान है क्या? अब मुद्दा तो ये है ना कि बैंक के लॉकर को तोड़ना इतना आसान पड़ा है क्या? सर नहीं, बैंक का लॉकर तोड़ना मजाक बात नहीं है। वैसे बता देता हूं, एक बैंक में जिस जगह पर लॉकर होता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग रूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रांग रूम। और स्ट्रांग रूम बेटा इतना मोटा दरवाजा होता है और कम से कम 5 से 6 लॉक होते हैं बेटा, एक नहीं तोड़ सकते, 5-6 लॉक तो भूल जाओ। एक टाइम का इंसिडेंट बता देता हूं बेटा, सहारनपुर में ही पंजाब नेशनल बैंक है बेटा, अंबाला रोड पर, ठीक है ना, उसके बराबर में मेरी इंटर्नशिप चलती थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं वहां पर, ठीक है ना, मैं वहीं इंटर्नशिप करता था। बाबू एक चोर घुसता है रात को बैंक में वेल्डिंग सिलेंडर लेकर, ठीक है ना, पूरी मशीन लेकर तामझाम तोड़ने के इरादे से, और सुबह 9 बजे तक बेटा काम चलाता है। और बेटा एकदम से उसको टक टक की आवाज़ आती है, बैंक खोल रहा होगा कोई ना कोई चैनल की आवाज़ आती है, चोर फरार हो गया। किसी ने भागते हुए भी देखा कि चोर भाग गया। अंदाजा लगाया गया जितनी वेल्डिंग मशीन का बेटा डस्ट पड़ी थी, वेस्ट पड़ा था, कि ये रात से घुसा होगा चोर और सुबह तक इसने वेल्डिंग मशीन चलाई है, स्ट्रॉन्ग रूम का एक लॉक नहीं टूटा। सर स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ना कोई मजाक समझ रहे हो क्या आप? चलो खैर ये तो रही स्ट्रॉन्ग रूम पे चर्चा, लॉकर की बात करते हैं बेटा। बैंक ना बहुत अलग अलग कैटेगरी के लॉकर खोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटेगरी ABCDEF। बेटा लॉकर का साइज इतना से स्टार्ट होता है, इतना सा लॉकर होता है, थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और आखिरी में ड्रॉर के साइज जितना पहुंच जाता है। ये कैटेगरी ABCDEF होती है, ठीक है ना, हर बैंक में अलग अलग कैटेगरी है। जो सबसे बड़ा ड्रॉर है बेटा, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है उसका लॉकर रेंट सबसे ज्यादा होता होगा, और बेटा जो सबसे छोटा साइज है उसका लॉकर रेंट बहुत कम होता होगा, ठीक है। आपको बता देता हूं हम ड्रॉर क्यों लेते हैं बेटा, प्रॉपर्टी के पेपर सेव करने के लिए, इवन कुछ लोग करेंसी भी रख लेते हैं उसी में, पैसे भी उसी में रख लेते हैं। सबसे छोटा लोग ज्वेलरी के लिए लेते हैं बेटा, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लॉकर लेते हैं। आपकी नॉलेज के लिए ये बता देता हूं, लॉकर 2 की से खुलता है। किसी ने ऑपरेट करा लॉकर आप में से? किसी ने कराओ, कभी मौका मिला, किसी ने नहीं करा। चलो मैं समझाता हूं आपको बेटा,
बैंक में आप गए, बैंक ने क्या कर रखा है, ए कैटेगरी के 100 लॉकर इधर बनवाए हुए हैं, बी कैटेगरी के 100 उधर, सी कैटेगरी के 100 उधर, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी, एफ कैटेगरी, मान लो 600 लॉकर है किसी बैंक में, ठीक है जी। आपका लॉकर का नंबर है लेट सपोज B78, ठीक है, बी कैटेगरी में लॉकर है उसका नंबर 78, ठीक है जी। आपके लॉकर की एक बिल्कुल यूनिक की होगी, इन 600 के 600 लॉकर की एक बिल्कुल एक यूनिक की होती है, ठीक है, आपको भी एक यूनिक की मिल गई बेटा, ठीक है। लेकिन बैंक के पास ए कैटेगरी की एक ही की होती है, बी कैटेगरी की एक ही की होती है, सी कैटेगरी की एक की होती है, डी ई एफ, बाबू 6 की है बैंक के पास इन टोटल 600 लॉकर की, ठीक है जी। आप गए लॉकर ऑपरेट करने, बैंक ने कहा साइन करो, आपने साइन करा, बैंक ने आपकी फोटो मैच करी अपने कंप्यूटर में से कि हाँ यही पर्सन ऑथोराइज है ना लॉकर ऑपरेट करने के लिए, हाँ आप ऑथोराइज थे। आप अंदर गए, बैंक पर्सोनल आपके साथ अंदर जाता है बेटा अपनी बी कैटेगरी की लेकर। आपका लॉकर नंबर है B78, बैंक ऑफिशियल ने अपनी की लगाई, आपने अपनी की लगाई, दोनों ने एक साथ घुमाई, लॉकर खुल गया। जैसे ही लॉकर खुला, बैंक ऑफिशियल ने अपनी की बाहर निकाली और वो बाहर आकर बैठ जाएगा अपनी चेयर पे। वो ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो लॉकर में, कुछ भी करो बेटा उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। लॉकर कब बंद होगा बेटा, जैसे ही आपने ऑपरेट करना तो ऑपरेट कर लिया, जैसे ही आपने प्रेस करा लॉकर बंद हो जाएगा, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती, आप अपनी चाबी लेकर घर आ जाओ। समझ आई बात, अगर चाबी खोगी तो क्या, सर सरदार ताले वाला है नोएस्कियम में, चाबी खोगी तो 10 रुपये में चाबी बना देगा साबुन की छाप लगा के। सर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर लॉकर की खो दी 12 से 15 हज़ार रुपये तैयार रखना। चाबी खोने का मतलब है 12 से 15 हज़ार तैयार रखना, क्योंकि वो बोलते हैं बेटा हमारे यहाँ पर सारा फर्नीचर गोदरेज का है, हम किसी लोकल पर्सन से छिड़वाएंगे नहीं, गोदरेज का इंजीनियर आएगा वही खोलेगा भाई। और बेटा बेंगलोर से आए, वो पुणे से आए, उसके आने जाने का फ्लाइट का सारा खर्चा आप दोगे बेटा, उसके जो भी चार्जेस हैं वो सब आप पे करोगे। 12 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं एक की खो देने पर, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, तैयार रहना बेटा। तो ये आपके लिए लॉकर, ठीक है ना। आपको मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे पता है बुक ने कितना लिखा होगा और मैंने कितना बता दिया आपको लॉकर के बारे में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो लॉकर फैसिलिटी समझ में आता है बेटा, बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है। और बैंक क्या करता है बेटा, मैंने वर्ड उस दिन कार्ड्स लिखा था, कार्ड्स पर एक चर्चा हो जानी बड़ी ज़रूरी है बेटा, ठीक है ना। और ये मेरा फेवरेट मुद्दा है, इसको मुझे डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है बेटा। कार्ड दो तरीके के होते हैं या तीन तरीके के होते हैं, कार्ड दो तरीके के होते हैं या तीन तरीके के होते हैं, पहले चर्चा की है कभी, ये तो मैं पक्का बता रहा हूँ। दो तरीके के होते हैं, तीन, कौन कौन से लक्ष्मी, कार्ड, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड और ऊनो कार्ड और, अच्छा नहीं नहीं और कौन से कार्ड की बात चल रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, क्या हुआ, हाँ वही यार, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तीन ही हुए फिर, मैंने तीन बनाए थे, लक्ष्मी ने डिलीट करवा दिया, क्या एटीएम और, सर देखो आप सुनो मेरी बात, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर गड़बड़ करते हैं इस चीज में, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, टीचर्स गड़बड़ करते हैं। सर कार्ड सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है बेटा और दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है। लो पहले इसके बारे में कुछ बताता हूँ, फिर बताता हूँ एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड वैसे डेबिट कार्ड होता है, चलो जी समझने की कोशिश करना बेटा क्या होता है। मैं हमेशा ऐसे समझाता हूँ बेटा, डेबिट कार्ड मीन्स आप प्रीपेड सिम कार्ड, आपके पास प्रीपेड सिम है, क्या करते हो प्रीपेड सिम में, पहले रिचार्ज करते हो बाद में यूज करते हो, डेबिट कार्ड भी ऐसा ही होता है बेटा। अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा करा लो, पैसे जमा हो जाने के बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, जितना मर्जी यूज कर लो, जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने एक्सटेंट तक। दैट मीन्स डेबिट कार्ड इज द एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड भी तो यही होता है भाई, पहले अकाउंट खुलवाते हैं,
पैसे जमा करा देते हैं बेटा, वो हमें एटीएम कार्ड दे देते हैं, जिस एक्सटेंट तक मेरे अकाउंट में पैसे हैं उस एक्सटेंट तक यूज कर सकता हूं, यही करता हूं बेटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कार्ड? इट इज अ पोस्टपेड सिम कार्ड। पोस्टपेड सिम देखिए बेटा क्या होता है पोस्टपेड सिम में, पहले यूज करो और फिर क्या करेंगे बेटा, बाद में जितना यूज करोगे उतना बिल आ जाएगा बेटा, पे कर देंगे, ठीक है ना। सेम क्रेडिट कार्ड होता है बेटा, पहले यूज कर लो, स्वाइप कर लो जहां करना है बेटा, बाद में एक बिल आएगा बेटा, पे कर देना। और आपको बता देता हूं आपको बैंक में पे करना होता है 55 दिन में, ठीक है ना, आपको बैंक को पे करना होता है 55 दिन में। और आपको बता देता हूं बेटा 55 दिन में 555 रास्ते निकल जाते हैं। ये सुना है कभी डायलॉग? चलो आज सुनाएंगे बेटा, जन्नत मूवी का डायलॉग है बेटा, इमरान हाशमी ने बोला हुआ है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बैंक को 55 दिन में करनी है और 55 दिन में 555 रास्ते निकल जाएंगे, अभी सुना कर जाऊंगा बेटा जाते टाइम। लेकिन इस बात को समझना बेटा, क्रेडिट कार्ड हर अकाउंट होल्डर को नहीं दिया जाता, ठीक है ना। मैंने HDFC में अकाउंट खुलवा लिया, HDFC बैंक में 6 महीने तक बड़ी तगड़ी ट्रांजेक्शन करी। पहली बात तो प्राइवेट बैंक पीछे पीछे घूम रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, सरकारी बैंक तो बेटा एंटरटेन नहीं करते आपको। 6 महीने बहुत तगड़ी ट्रांजेक्शन करी, HDFC बैंक के एम्प्लॉई मेरे पीछे बढ़ गए, सर आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा कितनी लिमिट आई हुई है? बेटा क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजेक्शन। मैंने 6 महीने में लाखों की ट्रांजेक्शन करी बेटा, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड आया उसकी लिमिट आई 1 लाख। किसी इंसान ने करोड़ों में ट्रांजेक्शन करी उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आई 5 लाख पहले दिन ही बेटा। किसी की लिमिट पहले दिन ही 10 लाख आती है, किसी की 20,000 आती है, किसी की 25,000 आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजेक्शन। मान लो मेरे के 1 लाख लिमिट आ गई, क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया, मैंने क्या करा क्रेडिट कार्ड पे एक 50,000 का फोन ले लिया, स्वाइप करा दिया, ठीक है। बैंक को 55 दिन में देना है, विदाउट एनी इंटरेस्ट 55 दिन बाद दे सकते हो। मैंने 50 दिन के बाद बैंक को पे कर दिया बेटा, मान लो 50,000 का फोन था, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख थी, मैं 1 लाख तक स्वाइप कर सकता था। मैंने 50,000 स्वाइप करे, 50 दिन में बैंक को 50,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। 6 महीने तक मैंने 4-5 मोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर ली और पे करता रहा बैंक को टाइमली। 6 महीने के बाद पता लगा जी बैंक ने मेरी लिमिट 1 लाख के बजाय अब 2.5 लाख कर दिया। करते करते बेटा क्रेडिट कार्ड की लिमिट लाखों में पहुंच जाती है बेटा, और कहीं किसी एक्सटेंट तक करोड़ों में भी पहुंच जाती है। तो बेटा हर एक इंसान एलिजिबल नहीं होता क्रेडिट कार्ड के, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, और हर क्रेडिट कार्ड की एक अलग लिमिट होती है। हर इंसान के क्रेडिट कार्ड की एक अलग लिमिट होती है, सबकी लिमिट एक जैसी नहीं हो सकती, समझ आई बात। और धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सटेंड होती रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई, बढ़े आगे, ठीक है ना। डेबिट कार्ड मीन्स अ प्रीपेड सिम कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड मीन्स अ पोस्टपेड सिम कार्ड, सिंपल सी बात ये, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड वन की बात करते हैं, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, बेटा बैंक मेरे बिहाफ पर बहुत सारी चीजों की पेमेंट करता है अगर मैं चाहूं तो। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो बेटा मैंने अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है फ्रॉम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और जिसकी अमाउंट ड्यू होती है बेटा हर साल लेट सपोज 16th of August को, ठीक है, और मैं हर बार भूल जाता हूँ। 16 अगस्त आते आते मेरे दिमाग से निकल जाता है, कभी याद आता है 17 को, कभी 20 को, कभी 25 को, और जाता हूँ बेटा फिर पेनाल्टी के साथ अमाउंट जमा करा के आता हूँ कि ये रही मेरी इंस्टॉलमेंट और ये रही पेनाल्टी, ठीक है ना, क्योंकि मैं लेट हो गया। अब मैंने देखा यार ये ट्रेंड पिछले 5 साल से चल रहा है, हर बार कभी 200 की पेनाल्टी, कभी 100 की पेनाल्टी, कभी 150 रुपये मैं पे ही कर रहा हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को। मैंने इस बार अपने बैंक को बोला, मैंने कहा बैंक क्या तू मेरे बिहाफ पर कुछ पेमेंट कर सकता है? बैंक ने कहा कर दूंगा, इसके बदले में कमीशन लूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू कमीशन ले लियो, तू मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर दियो, तू एक काम कर अपने सिस्टम में ना एक SI लगा ले। सर सुन लो बड़ा काम का वर्ड बोल रहा हूँ आपके लिए, मैंने कहा अपने सिस्टम में आप एक SI लगा लो। SI मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लगा लो कि हर साल ऑटोमेटिकली 16th of August को मेरा अकाउंट डेबिट कर देना जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है उससे, और बेटा आप प्लस कर देना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में। लेट सपोज कि मेरा इंस्टॉलमेंट 25,000 का है,
तो 25,000 मेरे अकाउंट से डेबिट करके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में 25,000 प्लस कर देना। बैंक ने कहा इसके ऊपर कमीशन है मेरी 25 रुपये। मैंने कहा दी, क्योंकि मैं 150-200 तो हर बार नुकसान खा रहा हूँ, 25 रुपये बैंक को दे दूंगा तो मेरा क्या चला जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा क्या बैंक आपके बिहाफ पर बहुत सारी पेमेंट कर सकता है? सर सब कुछ पे करा सकते हो आप बैंक से। आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम पे करा सकते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा सकते हो, इवन आप हाउस टैक्स पे करा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा सकते हो, किसी लोन की किस्त भी पे करा सकते हो। और इन सब के लिए बैंक को क्या करना होता है, एक SI लगानी होती है, बस एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बैंक लगाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डेबिट करता है और सामने वाले का अकाउंट प्लस कर देता है, बस इतना सा काम करना होता है। तो बेटा ये 5 पेमेंट और इसके अलावा भी बहुत सारी। देखो बेटा हम ना इन फैसिलिटी का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार पेटीएम का जमाना है, गूगल पे फोन पे का जमाना है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से क्यों पे कराए, बैंक चार्जेस मांगेगा 20-25 रुपये, अरे हम फोन उठाएंगे 2 मिनट में पे कर देंगे। सर हमारा जमाना तो कुछ और है ना, ठीक है ना, हम आज की तारीख में इन फैसिलिटी का यूज करते कहाँ हैं। हम गूगल पे उठाएंगे बेटा 2 मिनट में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारे तो बेटा बाएं हाथ का खेल है, हम बैंक को चार्जेस क्यों देने लगे इन चीजों के, ठीक है ना। चाहे हम यूज नहीं करते लेकिन बैंक हमें आज भी ये फैसिलिटी देता है, बस मैं ये बता रहा हूं। तो बेटा जैसे बैंक मेरे बिहाफ पर बहुत सारी आइटम की पेमेंट कर सकता है, वैसे ही बेटा बहुत सारी आइटम की कलेक्शन भी कर सकता है। क्या बैंक आपके बिहाफ पर कुछ चीजें कलेक्ट भी करता है? बेटा करता है, ठीक है ना, समझ आ जाए तो रख लेना, नहीं समझ आए तो अभी इग्नोर करना, क्योंकि मैं बड़ी हाई टर्म बोल रहा हूँ जो मैंने पहले शेयर की होगी। बेटा मैं किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीदता हूँ, मैं दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीदता हूँ, शेयर खरीदने के बदले में मुझे डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स खरीदने के मुझे बदले में इंटरेस्ट मिलता है। बैंक मेरे बिहाफ पर डिविडेंड भी कलेक्ट करता है और इंटरेस्ट भी कलेक्ट करता है, जरूरी नहीं है पेमेंट करता है, मेरे बिहाफ पर बहुत सारी कलेक्शन भी करता है, ठीक है ना। अब जिन्होंने बेटा शेयर्स डिबेंचर्स पढ़ा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा भी टेंशन मत लो, एक आधी अमाउंट को तो छोड़ दिया करो, ठीक है जी। चलो जी इतनी बात ओके, देख लो एक बार, लॉकर फैसिलिटी क्लियर है, कार्ड्स ओके, उसके बाद बात करी हमने कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ओके बढ़े आगे। चलो एक बात करते हैं जो आपने नहीं करी होगी मेरे साथ, मैं कर देता हूँ, ये शायद आपने नहीं बोला था उस दिन, बोला था किसी ने यार, ये तो नहीं बोला ना उस दिन, हर्ष बोला था क्या यार, किसने बोला था इसने। चलो जी बात करते हैं ई बैंकिंग की। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ई हेयर, ई मतलब एलिफेंट, अच्छा फिर ई फॉर एलिफेंट नहीं होता क्या, बचपन में बताया था क्या, मेरी मैडम ने बताया था। हाँ ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूजिंग इंटरनेट। सर ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यूजिंग इंटरनेट, यानी कि बात चल रही है इंटरनेट बैंकिंग की, जिसको हम प्यार से नेट बैंकिंग बोलते हैं। चलो जी यार नेट बैंकिंग में मुझे बहुत सारी आपके साथ चर्चा करनी है। सबसे पहली चर्चा, बेटा एक काम करो, अभी गूगल पे ना लिखना PNB नेट बैंकिंग, फटाफट लिखो, चल जल्दी करना बेटा, थोड़ा स्पीडी गूगल पे लिखो PNB पंजाब नेशनल बैंक नेट बैंकिंग, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, तभी समझ में आएगा, मजा तभी आएगा आपको पढ़ने का जब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी किसी चीज की। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी PNB नेट बैंकिंग, या किसी भी HDFC नेट बैंकिंग, एक्सिस नेट बैंकिंग, जिस मर्जी बैंक का नाम लिखो, करा सबसे ऊपर लिंक आया होगा एक, ठीक है ना, HTTPS नेट भी लिखा, ये तो लिखा है ना पक्का। चलो बेटा चलो अब कुछ काम की बात बताता हूं आपके लिए, बेटा सामने देखना, पुराने जमाने में नेट बैंकिंग सेफ नहीं हुआ करती थी, जब स्टार्ट हुई थी ना बेटा तब सेफ नहीं होती थी, आपने सुना भी होगा ये अकाउंट हैक हो गया, वो अकाउंट हैक हो गया, इस अकाउंट से पेमेंट आतंकवादियों ने अपने अकाउंट में डाल दी, इस टेररिस्ट ने ये कर दिया, इस हैकर ने ये कर दिया, ऐसे बहुत किस्से हमारे पास। लेकिन आज की तारीख में देखोगे ना बेटा नेट बैंकिंग सिक्योर्ड होती चली जा रही है और होती जाएगी बेटा,
इंडिया में सेफ्टी बताता हूँ बेटा नेट बैंकिंग के साथ कितनी हो गई आज की तारीख में। पहली बात बेटा आपको ये बता देता हूँ, जितनी भी बैंक हैं, जितने की भी आप नेट बैंकिंग ऑपरेट करते हो, सबकी नेट बैंकिंग बेटा ऐसे स्टार्ट होती है HTTPS से, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हो, कंप्यूटर्स में हो सकता है बेटा आपका हार्ट टाइट हो, ठीक है ना, हो सकता है मेरा भी हो, लेकिन कुछ नॉलेज रखता हूँ मैं। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। बेटा आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट HTTP में ऑपरेट होती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ऑपरेट होती हैं, यहां पर सिक्योरिटी फीचर नहीं होता बेटा। ऐसी वेबसाइट को हैक करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस वेबसाइट पे आपको ये दिख जाए ना बेटा, तो समझ लेना SSL लगा हुआ है बेटा, सिक्योरिटी फीचर लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इंटरनेट बैंकिंग को ऑपरेट करते हो तो बेटा इंटरनेट बैंकिंग को ऑपरेट करने के लिए आपको एक यूजर आईडी दिया जाता है, प्लस एक लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, प्लस एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिया जाता है। आपके सामने ऑपरेट करके दिखाऊंगा, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिया जाता है, प्लस आपके अकाउंट पे OTP आता है। सर बड़े काम की बात बोल रहा हूं, सुनना बाबू। मैंने बैंक से क्या करा, मैंने बैंक को बोला कि मेरे को नेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी है अपने अकाउंट में। बैंक ने कहा ठीक है, एक एप्लीकेशन दे दो साइन करके। मैंने एप्लीकेशन लिख के साइन करके दे दी, इतना सारा तामझाम बैंक ने मुझे दे दिया। सबसे पहले एक मुझे यूजर आईडी दी, और बेटा उस यूजर आईडी का एक लॉगिन पासवर्ड है। जैसे ही मैं बेटा यूजर आईडी डालता हूं, लॉगिन पासवर्ड डालता हूं, मैं अपने अकाउंट की बहुत सारी चीजें सिर्फ देख सकता हूं, कुछ ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता हूं मेरे अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, ठीक है, मेरे अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट कैसी है देख सकता हूँ, किस किस को पेमेंट करी, कहाँ कहाँ से रिसीव करा, कोई FD तो नहीं अकाउंट में देख सकता हूँ, कोई RD तो नहीं है देख सकता हूँ। बस मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, लेट्स सपोज एक नई FD बनानी है और मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू FD बना रहा हूँ बेटा, सर जैसे ही FD बनाने लगूंगा वो कहेगा लाओ जी पहले ट्रांजैक्शन पासवर्ड दे दो, अगेन सिक्योरिटी फीचर। मैं तब तक ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता जब तक ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं डालूंगा। सर एक पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड, और जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालूंगा मेरे फोन या ईमेल पे OTP आएगा, वो भी डालना पड़ेगा। सर इससे ज्यादा सिक्योरिटी किसी देश की नेट बैंकिंग में नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना सेफ हो चुका है आज की तारीख में नेट बैंकिंग। चलो अब नेट बैंकिंग पे वापस आता हूं, कुछ और बातें करता हूं बेटा। नेट बैंकिंग से कुछ ट्रांजैक्शन परमिटेड है हमें, ठीक है ना, हम कर क्या सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, ठीक है, पैसे जमा कर सकते हैं नेट बैंकिंग में, पैसे निकाल सकता हूं इंटरनेट बैंकिंग से, कैसे, प्रिंट की कमांड दे दूं, करेंसी प्रिंट होके प्रिंटर से बाहर आनी शुरू, फंड ट्रांसफर मैं बोल रहा हूं। एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो नेट बैंकिंग में परमिटेड है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, फंड ट्रांसफर। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, सामने वाला पर्सन किसी भी कोने में बैठा हो, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मैं भी बैठा हूं बेटा, जिसके अकाउंट में पैसे डालने अभी डाल दूंगा यहां से बैठे हुए। मैं पैसे जमा कर सकता हूं क्या, तो पैसे कैसे जमा होंगे, नेट बैंकिंग में पैसे जमा हो जाएंगे, सर बोलो, नेट बैंकिंग से तो नहीं हो सकते, पैसे जमा तो नहीं हो सकते, निकल सकते हैं, निकल जाएंगे, प्रिंटर थोड़ी है छाप लोगे नोट, नहीं निकल भी नहीं सकते, सिर्फ फंड ट्रांसफर हो सकते हैं ना। सर इसका ये ड्रॉबैक है, पैसे जमा नहीं कर सकता, पैसे निकाल नहीं सकता, लेकिन फंड ट्रांसफर कर सकता, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। अभी कुछ और चर्चा आगे बढ़ाता हूं बेटा, यहीं से लिंक करना चाहूंगा एक बात, बहुत आराम से समझना और मजा आ जाएगा आपको सुनकर, ठीक है। लो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, मैं आज जाऊं अपने सेविंग अकाउंट में 10 रुपए जमा करके आ जाऊं, बैंक मना करेगा क्या 10 रुपए ना जमा करो। मैं बैंक ब्रांच गया, मैंने पेन स्लिप भरी 10 रुपए, मैंने कहा ये ले बैंक जमा कर ले 10 रुपए, बैंक मना कर देगा 10 रुपए नहीं जमा कर सकते, कर तो नहीं सकता ना, और मैं करा सकता हूँ ना, मेरी मर्जी, मैं तो कराऊं जितनी मर्जी, चुल्ल ले लो बेटा बैंक वालों से क्या दिक्कत है आपको, ठीक है ना। 100 रुपए जमा करा सकता हूँ, करा सकता हूँ बेटा, कोई मना कर देगा नहीं, मेरा बैंक अकाउंट है, जितने मर्जी जमा कराऊं मुझे आपको क्या दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं 100 रुपए जमा कराता हूँ अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, बैंक मुझसे कोई चार्जेस मांगता है, मैं सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने का, बैंक ने कहा लाओ चार्जेस दो, सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों जमा कर रहे हो, चार्जेस मांगता है क्या, नहीं सेविंग अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं लगते, ठीक है ना। आपको बताऊं
हर एक ट्रांजैक्शन जो आप बैंक ब्रांच के अंदर जाकर करते हो उसके लिए बैंक ₹50 पे करता है। सर आप सोच भी नहीं सकते, मैं सीए लेवल की बात बता रहा हूं, यहां से लिंक करना बड़ा आसान होगा चीजों को। बाबू इस बात को समझ लो, हर ट्रांजैक्शन जो आप बैंक ब्रांच के अंदर जाके करते हो उसके लिए बैंक ₹50 पे करता है। आपको लग रहा होगा किसको पे करता है, सर सुनना, बैंक का एक महीने का खर्चा है, ज्यूम कराऊं आपको, एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें 20 बैंक ऑफिशियल काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी एवरेजली ₹50,000 है, टोटल खर्चा सैलरी सैलरी का 10,00,000। बैंक कोई भी जगह अपनी नहीं खरीदता, सारी जगह रेंट पर होती है बेटा, और कोई भी ब्रांच का रेंट 2,00,000-2,50,000 से कम नहीं है, 2,50,000 रुपये रेंट। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एसी प्लांट, सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं भी हो तो 5-5, 7-7 एसी लग रखे हैं। हाँ, बैंक अपनी जगह कोई भी नहीं लेता, वैसे रेंट नहीं होता, करेक्ट वर्ड इज लीज, ठीक है ना। खैर करूंगा आपसे बात लीज की कभी, क्यों नहीं, बैंक की पॉलिसी है, ठीक है ना। आप ये समझो कि डोमिनोज अपने रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलता इंडिया में, फ्रेंचाइजी क्यों बांटता, तो हर बात का आंसर क्यों में नहीं हो सकता, उनकी पॉलिसी है, वो जाने की बेटा क्यों करते हैं वैसा, ठीक है ना। दूसरी बात, फेल होने का डर रहता है, एक ये वजह हो सकती है, हर बैंक ब्रांच हर जगह पर चले ऐसा पॉसिबल नहीं है, फेल होने का डर रहता है। अगर आप अपनी जगह खरीदोगे, इतने इतने करोड़ों रुपए फंसाओगे बेटा, तो कहां से आप ग्रो करोगे, उससे बेटर है आप 2,00,000-2,50,000 रुपए की जगह रेंट पर लेकर धंधा शुरू कर दो। फेल हो तो बेटा बंद भी तो कर सकते हो, वहां ऑप्शन होता है आपके पास। चलो खैर ये अभी करेंगे बात बाद में, पहले ये बताओ बेटा, आप बैंक ब्रांच के अंदर गए, आपने ₹100 की ट्रांजेक्शन करी, बैंक ₹50 पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है बेटा, 10,00,000 रुपए की सैलरी है, ₹2,50,000 रुपए का बेटा रेंट है, बिजली का बिल, डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस के खर्चे, चाय पानी के खर्चे, कुल मिला के ₹15,00,000 महीना आप खर्च रहे हो, ₹15,00,000 महीना। और मान लो आप महीने भर की 30,000 ट्रांजैक्शन करते हो, तो अगेन बेटा बैठ गया, हर ट्रांजैक्शन पे आपका खर्चा ₹50, चाहे किसी ने सेविंग अकाउंट में जाकर ₹20 जमा करा दिया, बेटा आपका खर्चा ₹50 हो गया, आपका खर्चा ₹50 है। सर आप सोच कर देखो, समझ आई बात, तो आप सोचो, बैंक कभी चाहता होगा कि कोई मेरी बैंक ब्रांच में आए और कोई ट्रांजैक्शन करे, बैंक कभी नहीं चाहता, बैंक को पता है अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक ब्रांच के अंदर हुई तो ₹50 खर्चा आएगा, और बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन एटीएम से हुई तो खर्चा ₹12 आता है। अब आप सोच रहे होंगे एटीएम में क्या खर्चा, सर हर एटीएम रेंट पर है, हर एटीएम की जगह रेंट पर है, हर एटीएम, एक भी हम पता नहीं होता किसी बैंक का, ठीक है ना। रेंट 10,000-15,000 रुपये महीना, 24 घंटे एसी चल रहा है, वॉचमैन 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, इसके अलावा बेटा बार बार एटीएम मशीन रीफिल कराते हो आप, जब खाली हो जाती है बेटा, वैन में आते हैं ना कुछ लोग रीफिल करके जाते हैं, तो उनको पे कौन करता है, बैंक पे करता है अपनी जेब से। तो हर ट्रांजैक्शन जो आप एटीएम पे जाकर करते हो उसका खर्चा बैंक को ₹12 आता है, ठीक है ना बेटा, और हर ट्रांजैक्शन जो नेट बैंकिंग के थ्रू होती है उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 80 पैसा है, सिर्फ और सिर्फ 80 पैसा, सिर्फ 80 पैसे में ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है ना। ये 80 पैसा इसलिए है क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारी मेंटेनेंस आप कराते रहते हो बेटा, बहुत सारे ऑफिशियल आपने बिठा रखे होते हैं कि वेबसाइट में गड़बड़ ना हो, कोई हैकिंग ना हो बेटा। तो आप समझ के चलो, बैंक ये चाहता होगा कभी, कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि कोई बैंक ब्रांच के अंदर भी घुसे बेटा। बैंक हमेशा चाहते हैं आप इन दोनों फैसिलिटी का यूज करो, काम की बात सुनना बेटा। आज की तारीख में आपने देखा होगा एटीएम मशीन, सिर्फ एटीएम मशीन नहीं है बेटा, एटीएम कम सीडीएम मशीन है, सुना है, एटीएम कम सीडीएम। चलो जी आप शक्लें ऐसी बनाते हो मुझे डर लग जाता है यार, ठीक है ना, एटीएम कम सीडीएम मशीन, यानी कि एटीएम मशीन होने के साथ साथ सीडीएम मशीन भी है। सीडीएम मतलब कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर आई है। सुन लो जी बेटा, मशीन लगी हुई है, मुझे पैसे जमा कराने हैं, बैंक भी नहीं चाहता ब्रांच के अंदर आए, मैं खुद नहीं जाना चाहता इतनी भीड़ में, मैं गया सीडीएम मशीन पर, ठीक है ना, मैंने बेटा क्या करा, अपने अकाउंट की डिटेल एंटर करी, डेबिट कार्ड लगा दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं, मैंने अमाउंट लिखी 50,000, मशीन खुली, बक्सा खुला, मैंने 50,000 लिखे, मशीन ने काउंट करे, 50,000 मेरे अकाउंट में जमा, हाथों हाथ मैसेज आ गया।
वही सीडीएम मशीन है, वही एटीएम मशीन है बेटा, कोई और इंसान है, उसे 20,000 निकालने हैं, मेरे 50,000 में से 20,000 निकल गए। उसे बार बार रिफिल कराने की भी टेंशन नहीं है बेटा। लोग जमा करते रहते हैं, लोग निकालते रहते हैं एक ही मशीन में से। आपके शहर में भी 10-12 हैं, ऐसे चौको मत, वो बात अलग है, आप कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक है ना। एटीएम कम सीडीएम मशीन है। और आपको बता देता हूं बेटा, पैसे जमा करने के लिए ये, पैसे निकालने के लिए ये, और फंड ट्रांसफर के लिए ये, बस बैंक में तीन ही मेन काम होते हैं। पैसे जमा करना है सीडीएम मशीन, पैसा निकालना है एटीएम मशीन, और बेटा फंड ट्रांसफर करना है किसी और के खाते में डालने हैं, बेटा कर दो, यूज कर लो नेट बैंकिंग का, तो बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत खत्म। एक कंट्री ऐसी भी है दुनिया में, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन जिसने अपनी बैंक ब्रांचेस को 100% बंद कर दिया, ताले लगवा दिए कि इनका यूज करो बस। वेरी सून देखोगे आप ही, देखोगे आप जमाने में ही देख लेना, अपने जमाने में ही देख के जाना ये बात। लॉजिक समझ में आया, नेट बैंकिंग समझ में आई क्या चीज है, एटीएम का भी डिस्कशन मैंने इसी में कर दिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे आज बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें दिमाग में आई मेरे पढ़ाते पढ़ाते, चलो एक का डिस्कस कर देता हूँ यार, मेरा मन कर रहा है पूछ लूँ आपसे। एक टाइम की बात है बेटा, एक कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी, ठीक है ना, कंपनी का नाम कुछ भी समझ लो, लेट सपोज विनी फॉग डिओड्रेंट, ठीक है ना, या ओडोमोस, क्या बात कर लो बेटा, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया यार, एक कंपनी आती है जिसका स्प्रे आता है, क्या नाम है भाई स्प्रे आता है जो, एयरविक, एयरविक के स्प्रे, एयरविक के स्प्रे आते हैं, ठीक है ना, रूम फ्रेशनर आते हैं। तो इनमें से किसी कंपनी का नाम आप एज्यूम कर लो जो आपको अच्छे लगे, तो विनी यानी कि जो कंपनी फॉग बनाती है, उस कंपनी का इंटरव्यू चल रहे थे बहुत सारे लोगों के, उस कंपनी ने बोला मुझे एक ऑफिशियल को रिक्रूट करना है जो मेरी सेल बढ़ा दे। आप में से जिसको लगता है वो मेरी सेल बढ़ा सकता है, मैं उसकी रिक्रूटमेंट कर लूंगी, आपको 10% सेल बढ़ा के देनी है कंपनी की इसी साल। तो एक ऑफिशियल ने कहा आप मेरी रिक्रूटमेंट करो, 100% मैं सेल बढ़ाकर दिखा दूंगा आपको। तो उसने कहा ठीक है, हम रिक्रूटमेंट आपकी कर लेंगे, पेपर साइन करा देंगे, जैसे ही पेपर साइन होंगे आपको आइडिया डिक्लेयर करना पड़ेगा आप कैसे सेल बढ़ाओगे। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं पक्का बताऊंगा, आप मेरी रिक्रूटमेंट के पेपर रेडी करो। पेपर रेडी हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, तो उससे पूछा जाता है आप कैसे सेल बढ़ाओगे, कहता कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा करना। समझदार को इशारा काफी, सर हो गया काम, ओडोमोस जितना हॉल निकालती है उससे थोड़ा सा बड़ा कर दो, फॉग डिओड्रेंट जितना हॉल निकालता है स्प्रे में उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है ना, कोलगेट जितना ट्यूब में हॉल निकालती है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। ऑटोमेटिकली आप बेटा स्प्रे के लिए प्रेस करोगे बेटा, वो ज़्यादा ही डिओड्रेंट बाहर निकलेगा, जितनी ज़्यादा बाहर निकलेगा उतनी जल्दी खत्म होगा, उतनी जल्दी बिकेगा। एक साल में कंपनी की सेल 20% बढ़ी थी, उसने 10% की प्रॉमिस की थी। ठीक ठाक बात है, लोग इंडिया में यार दिमाग की कमी समझ रहे क्या, देखो कैसे सेल बढ़ाई उसने, क्या आइडिया था उसका, सोच सकते हो तुम ये बातें, तभी तुम्हारी रिक्रूटमेंट होगी वरना नहीं होगी। लॉजिक है। एक और चर्चा करते हैं बेटा, बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट पर, जिसको आप डीडी बोलते हो। लो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है शायद 6th या 7th वन है मेरा चर्चा, बैंक ड्राफ्ट या लोग प्यार से बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। बाबू खैर आज की तारीख में तो नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, इन चीज़ों का यूज़ बहुत बढ़ गया, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पेमेंट के लिए डीडी मांगा करती थी। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द कॉलेज, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कहते थे कि आप हमारी फीस पे करो, डीडी बनवाकर पे करना, ठीक है ना, चेक नहीं चाहिए हमें, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट कैसे होता है दिखने में समझाने की कोशिश करता हूं। आप बैंक में गए, आपने बोला कि मेरे को एक ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो क्या करते थे, वो एक आपको फॉर्म देते थे, कहते थे ये फॉर्म फिल करके दे दो, हम अभी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे, ठीक है। फॉर्म पे क्या क्या लिखा होता है ये समझना, राइट हैंड साइड पे बेटा डेट लिखी होती है, जस्ट लाइक अ चेक। फॉर्म पे आप बताते हो कि आप किसको पे करना चाहते हो, इसको पे टू नहीं, इसको बेटा डिमांड ड्राफ्ट में बोलते हैं, इन फेवर ऑफ,
किसके फेवर में बनवाना चाहते हो डीडी? पेबल एक्ट कहां पे होगा, कितनी अमाउंट का डीडी है? लेट सपोज मैं बताता हूं, मैं अपने इंस्टीट्यूट को ऐसे ही पेमेंट करता था डीडी बनवाकर, ठीक है ना। मुझे आज पेमेंट करनी है, आज डेट है बेटा 12th of July 2021। इन फेवर ऑफ मैं बेटा डीडी बनवाने जा रहा हूं, मैंने बैंक का फॉर्म उठाया जो जिससे बैंक डीडी बनाता है, मैंने उस पर लिखा इन फेवर ऑफ में द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मैं बेटा किसके फेवर में बना रहा हूं? द सेक्रेटरी ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, पेबल एट कानपुर। मेरा डीडी कानपुर में पे होता था बेटा, ठीक है जी। और बेटा मान लो मैं 10,000 रुपये का डीडी बनवा रहा हूं, बैंक ने कहा मेरी कमीशन है 100 रुपये, 10,000 का ड्राफ्ट बनवाने पर मेरी कमीशन है 100 रुपये। तो मैंने क्या करा, 10,000 100 रुपये निकाले, ये फॉर्म निकाला और ये बैंक को दे दिया। बैंक ने कहा ठीक है आप आधे घंटे बाद आना डीडी ले जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं गया बेटा, आधे घंटे बाद मुझे चेक मिला, जैसा मेरी चेकबुक घर पे पड़ी थी बिल्कुल वैसा ही चेक मिला, लेकिन ये चेक प्रिंटेड था। सर घर पे जो चेकबुक पड़ी है उसमें हाथ से लिखते हो ना पे टू, किसको पे करना है अमाउंट, बेटा ये सब बैंक ने प्रिंट करके दिया मुझे अपने प्रिंटर से। तो बेटा डीडी दिखने में प्रिंटेड चेक होता है, फायदा क्या होता है अभी करते हैं बात। बाबू सुनना, बड़ा मजा आएगा बाबू। मैं अगर सोचूं मेरा इंस्टीट्यूट मुझसे चेक क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, डीडी क्यों ले रहा है, तो बेटा एक बात समझ लो, डीडी कभी डिसऑनर नहीं होता ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। सर मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 10 रुपये पड़े हैं, मेरे इंस्टीट्यूट ने कहा लाओ चेक दे दो, मैंने 10,000 का चेक काटा दे दिया, चाहे मैं 1 करोड़ का चेक काट दूं, उसको क्या पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े, चेक तो कितने का भी काट सकता हूं ना। सर डिमांड ड्राफ्ट बैंक बना देगा बिना पैसे दिए? डिमांड ड्राफ्ट कब बनाता है बैंक? पहले पैसे दो, आधे घंटे के बाद मिलेगा डीडी। तो सर बैंक तो डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा ही नहीं बेटा जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने बैंक को पैसे दिया, आधे घंटे बाद डीडी मिला, और जब मैंने ये अपने इंस्टीट्यूट में भिजवाया, मेरे इंस्टीट्यूट को पता ये डिसऑनर नहीं हो सकता, ये बाउंस नहीं हो सकता। क्यों बेटा? बैंक में पहले पैसे पहुंचे होंगे तभी डीडी बनकर आया। तो डीडी इज मच सेफर देन अ चेक, डिमांड ड्राफ्ट चेक से 1000 गुना सेफर है बेटा। इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट पेमेंट चेक से नहीं लेता था, हमेशा कहते थे लाओ डीडी बनवा कर लियो, डीडी का भी बाउंस नहीं होता बेटा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, पैसे की कमी नहीं हो सकती डीडी में। बात समझ में आई? सारी अलाइड सर्विसेज अभी तक ओके हैं, एक एक्स्ट्रा बात हो बाबू, एक टाइम की बात है, ठीक शायद हो सकता है ये भी मैंने ऑनलाइन बैच में बताई हो बात, एक टाइम की बात है बेटा, एक ब्लैकबेरी कंपनी है, ब्लैकबेरी ने एप्पल का एक फीचर बताई थी मैंने बात, ब्लैकबेरी ने एप्पल का एक फीचर चुरा लिया, ठीक है, और कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बेटा पेनाल्टी लगाई ब्लैकबेरी के ऊपर 3 CR, 3 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी कोर्ट ने कि आपको पे करनी है ब्लैकबेरी एप्पल को, ठीक है बाबू। अभी आप देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ ये इंसिडेंट ना रोज होते हैं, लेकिन आप इसके लिए कुछ करते नहीं हो। आप जाते हो किसी कन्फेक्शनरी शॉप पर सामान खरीदने, ठीक है ना, आप किसी को कॉइन देते हो, क्या करता है वो, कैसे रिएक्शन होते हैं लोगों के, हम नहीं ले रहे, अरे कुछ और दे दो, नोट दे दे भाई, ये कर दे वो कर दे, करते हैं ना। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा इंडिया में आप RBI की लीगल टेंडर मनी को लेने से मना नहीं कर सकते बेटा, कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मना कर दे लीगल टेंडर मनी को लेने से, ठीक है ना। और कोई मना करता है वीडियो बना लो बेटा, घर तक छोड़ के आएंगे, प्रॉमिस है आपसे, घर तक छोड़ के आएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। आपको पता भी नहीं है बेटा इसकी सजा क्या है, ये पता है किसके बराबर सजा है, राष्ट्रद्रोह मतलब आतंकवादी। आपको बता देता हूं ब्लैकबेरी ने क्या करा, ब्लैकबेरी ने गुस्से में आकर 3 करोड़ की पेनाल्टी लगी है भाई, गुस्से में बेटा मुंह फुलाकर बैठकर 3 करोड़ रुपए के सिक्के कलेक्ट करे बैंक से, 1-1 रुपए के 30 ट्रक भर के सिक्के भिजवा दिए एप्पल की फैक्ट्री में, कहता गिन लो पूरे 3 करोड़ हैं, कुछ कमी रह गई तो बता देना और भिजवा देंगे। एप्पल के पास कोई जवाब है चीज का कि नहीं मैं तो सिक्के नहीं लेता, जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी, जमानतें भी नहीं होने की बेटा, ऐसा क्राइम है ये।
समझ आई बात? मजा आया सर। अलाइड सर्विसेज में बहुत सारी बातें करी मैंने, अब बताओ कोई छोड़ी मैंने बात या कोई और बात आप करना चाहते हो बैंक से रिलेटेड? पॉलिसी, चलो एक बात और कर देते हैं बेटा, बात करी पॉलिसी की। वैसे बता देता हूं बैंक पॉलिसी करता नहीं, अभी बता दूंगा तेरे को। बेटा देखो एक बात बोली थी लक्ष्मी ने, बोली थी मुझे याद है उस दिन भी, सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखी थी, पहले ही नंबर लिखा था मैंने पॉलिसी। बेटा बैंक पॉलिसी नहीं करता, बैंक का फंक्शन अलग है। इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड जरूर होते हैं बैंक, लेकिन अलग तरीके से। समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं, आप प्राइवेट बैंक में जाते हो ना, प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई आपके पीछे पड़ जाते हैं, सर इंश्योरेंस करा लो, सर इंश्योरेंस करा लो। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा, इंश्योरेंस में पहले साल कमीशन 50-50% होती है। मतलब कहने का मतलब बताऊं, अगर आपने 50,000 रुपये की पॉलिसी करा ली ना उस एम्प्लॉई से, 25,000 रुपये उसको मिलेंगे 50,000 में से। वो इसलिए आपके पीछे पड़ा होता है क्योंकि उसकी कमीशन ही 50% है। बैंक कभी इंश्योरेंस नहीं करता बाबू। अगर मैं बोलूं पंजाब नेशनल बैंक तो ये बहुत अलग बात है, और बेटा PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? बेटा पंजाब नेशनल बैंक ने एक कंपनी बनाई हुई है जो एज अ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है, और बैंक एक अलग चीज है। आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो आप इससे कराते हो, आपको लगता है आप बैंक से करा रहे हो। सेम बात बोल रहा हूं बेटा, आप किसी को भी उठाकर देख लेना, HDFC को उठा के देख लेना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग है। एक्सेस के लिए, एक्सेस की अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक्सेस का टाई अप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ और LIC के साथ है। कोई भी बैंक इंश्योरेंस नहीं करता, एक भी बैंक नहीं करता। आपने बोला था मैंने लिख लिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कौन करता है। अगर गवर्नमेंट कोई और कंपनी करती है, आप पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो, तो अभी मैंने एक बात लिखी थी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, वो तो पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम में आ गया कि आप बैंक के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकते हो, वो वाली बात तो वहीं ओके है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ कोई भी बैंक अपने आपको इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकता, करा ही नहीं सकता, RBI का नॉमिनी है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग कंपनी बनानी पड़ती है उसके लिए, अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हो। PNB करता है इस कंपनी के अंडर, HDFC करता है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक अलग कंपनी है। और कुछ जो डिस्कस करना हो बैंक में, जो आप कहोगे वो, वैसे बता देता हूं कोर्स के हिसाब से तो जितना होना था उससे तो कम से कम 25-30% ज्यादा हो गया, ठीक है ना। और कुछ आपको लगे कि मुझे नहीं पता बैंक के बारे में बता दो, तो मैं बता दूंगा पक्का, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही रखे कृष्णा, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाय बाय।